हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड ओडीआई मैच के बारे में। इसके थर्ड ओडीआई मैच को आप 23 मार्च शाम के 4:30 बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स फैनकोड ऐप में भारतीय समय अनुसार, और यह मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाने वाला है। पिच की बात की जाए तो पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 250 देख सकते हैं। वेदर की बात की जाए तो बारिश होने की संभावना नहीं है। टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा फ्रेंड्स। तो टॉस विनर या मैच विनर में कोई भी चेंजेस करना होगा, और इसके अलावा जो बाकी की लीग चल रही है फ्रेंड्स, अगर आप उसकी भी प्रेडिक्शन चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आईपीएल भी आ रही है, आईपीएल के सारे मैचेस की टॉस आपको फ्री में टेलीग्राम पे ही दी जाएगी फ्रेंड्स। तो सोचिए मत और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। अब अगर बांग्लादेश के पिछले 5 मैचेस की बात की जाए तो 3 मैचेस में जीत हुई है, 2 मैचेस में हार हुई है। वहीं साउथ अफ्रीका के पिछले 5 मैचेस को देखा जाए तो 4 मैचेस में जीत हुई है, 1 मैच में हार हुई है। और अगर इनके बीच खेले गए 5 हेड-टू-हेड मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 3 बार साउथ अफ्रीका की जीत हुई है, 2 बार बांग्लादेश की जीत हुई है। इस लीग में जो फर्स्ट ओडीआई मैच हुआ था फ्रेंड्स, उस मैच में बांग्लादेश की जीत हुई थी 38 रन से। वहीं दूसरे ओडीआई मैच में साउथ अफ्रीका की जीत हुई थी 7 विकेट्स से। अब अगर दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका से जनमन मालन, क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बाउम्बा, काइल वैरन, रेसी वेंडर दुसैन, डेविड मिलर, कैगिसो रबादा, केशव महराज, लुंगी नगीदी और तवरेज शम्सी, ये हो सकते हैं प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका के। अब अगर बांग्लादेश के प्लेइंग 11 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो बांग्लादेश से तमीम इकबाल, लटन दास, साकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, यासिर अली, महमदुल्लाह, आफिफ हुसैन, महेदी हसन, तस्कीन अहमद, सौरिफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान, ये हो सकते हैं प्लेइंग 11 बांग्लादेश के। तो फ्रेंड्स, मैच विनर बताने से पहले बता दूं कि वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा फ्रेंड्स। तो टॉस विनर या मैच विनर में कोई भी चेंजेस करना होगा तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड्स, तो सोचिए मत और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल। अब अगर मैच विनर की बात की जाए तो दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे 23 मार्च को होने वाले इस थर्ड ओडीआई मैच में हमारे एनालिसिस के अनुसार साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।